हेलो जी, राम जी, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब सही होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे है 11 और सुबह का सभी काम खत्म हो गया है। और मैंने तो आज नाके बस यही वाली कुर्ती पहनी, और आज तो मेरा भी फास्ट है। मैंने पूरे फास्ट नहीं रखे क्योंकि अथर्व की वजह से तबियत भी ख़राब हो रही, इसीलिए तो मैंने लास्ट के दो ही फास्ट रखे, आज को और कल का रखेंगे, और परसों तो सुबह में खुल ही जाएंगे। तो आज छठ है, कल 17, हमारे यहाँ पर अट्ठा पूजती है, यानी कि अष्टमी पूजती है। घर पर भी, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी, दोनों जगह अष्टमी ही पूजती है। तो आज हमारे घर में सभी का ही फास्ट है। मम्मी तो पूरे ही रख रही, और हम सब का आज है, अर्णव का भी और मेरा भी है। तो ठीक है गाइस, मैं पूजा कर लेती हूँ। हमारी माता रानी ये बैठी, और अखंड ज्योत हमारी ये लग रही, इस पर ना चिमनी लगा रखी है क्योंकि पंखा चलता रहे ना, तो इसीलिए, क्योंकि पंखा बंद नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल जी बैठे, फिर भगवान जी को भी गर्मी लगे है, और कलश वगैरह तो इधर रखा, नोट तो इधर है, जो वैसे वाले नोट है मिट्टी में बोने वाले, वो जिन्ने पर रख रखे, थोड़ी धूप भी मिलती रहे उन्हें, वहाँ पर रख रखे। और ये लड्डू गोपाल जी बैठे, आज लड्डू गोपाल जी ने ये वाली ड्रेस पहन रखी, ब्लैक सी, पूरी ब्लैक नहीं है, और भी कलर है, कॉटन में है, नहीं कॉटन में नहीं है, वेलवेट में है, दूर से कॉटन लग रहा लेकिन हार डाल के देखा तो वेलवेट है। और ये सभी भगवान जी के फूल रख रखे हैं, देखो गुड़ल के कितने बड़े बड़े फूल हैं। पूजा मेरी हो गई है, तो बस माता रानी से ये है कि माता रानी सब अपनी दया दृष्टि बना के रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, और सबके घर में सुख शांति दे, बस यही माता रानी से दुआ है। गाय, शाम के 4 बजे और शाम के काम का टाइम हो गया है, पहले मैं रसोई का काम ख़त्म करूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी, सबका फास्ट है, और दोपहर में पकौड़ी भी बनाई थी। तो गाय, पहले मैं रसोई क्लीन करूंगी, बर्तन गैस वगैरह, और फिर देखती हूं शाम के खाने में क्या बनेगा, फिर शाम का खाना बनाऊंगी। और अभी लड्डू गोपाल जी सोए हुए हैं, मैं पहले लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूं, उसके बाद बाकी का काम करूंगी। तो ठीक, मैं आ गई हूं जिसमें भगवान जी है उसी कमरे में आ गई हूँ, भगवान जी वाले कमरे में। तो मैं लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ। लड्डू गोपाल जी उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है लड्डू गोपाल जी का। जी लेटे हुए हैं, देखो सो रहे हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, छोटे वाले उनसे छोटे और सबसे छोटे, चारों लड्डू गोपाल जी सोए हुए हैं अपने पीलो पे। तीन लड्डू गोपाल जी के तो सर के नीचे पीलो लगा हुआ है, और जो सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है उनका पीलो तो दूर है और वे पास इधर है, यानी कि छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का सर नहीं आता ना पीलो पे क्योंकि ये सबसे छोटे ही है ना, तो इसीलिए ये रे चूने से लड्डू गोपाल जी हमारे नन्हे मुन्ने से बाबू, ये रे गोपाल जी को उठा दिया है और लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं किचन की सफाई करूँगी अभी सबसे पहले। हमारे किचन गंदा हुआ है, ये चाय के फ्लाईव्हील वगैरह रखे हैं, बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, पहले सबसे पहले बर्तन धुलूंगी, उसके बाद गैस वगैरह साफ करूंगी, फिर व्रत का खाना बनाऊंगी। और ये तो लड्डू गोपाल जी की खिचड़ी है। आज जो अथर्व के बर्थडे में अथर्व के गिफ्ट आए थे उनकी भी अनबॉक्सिंग करूंगी मैं, और दिखाऊंगी आपको किसने क्या दिया है, जो कपड़े आए वैसे वाले गिफ्ट आए, जो भी मतलब खिलौने जो भी आया वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। पहले मैं काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। मैंने सभी गिफ्ट्स को बेड पर रख लिया है अनबॉक्सिंग करने के लिए, और जैसे ही किट्टू आएगा और मैं आपको सभी गिफ्ट्स दिखा दूंगी क्योंकि अर्णव तो लेट आवे, और भाई दो चाहिए वीडियो बनाने के लिए। जो मैंने कपड़े धुले थे वो कपड़े भी अभी ऐसे ही रखे, ना तो प्रेस हुई और ना जो बिना प्रेस के थे उनकी तय बनी, क्योंकि आज तो मेरी बहुत तबियत ख़राब हो रही, चक्कर भी आ रहे, और जुकाम की वजह से बिल्कुल ही बुरी हालत हो रही, सर में भी दर्द हो रहा, तो मैं सोच रही अब प्रेस कल लगा लूँगी क्योंकि कल कपड़े नहीं धुलने के, बृहस्पत है, तो आज जो बिना प्रेस के कपड़े उनकी तय कर देती हूँ, और जो प्रेस के उन्हें अलग निकाल के रख देती हूँ, कल प्रेस लगा लूँगी। रखे हुए हैं ना सारे कपड़े धुले हुए हैं प्रेस के, और बिना प्रेस के इकट्ठे ही रखे अभी, और दो गिफ्ट ये रखे हैं थ्रू के, ये टेडी है और ये फोटो है, ये थ्रू की मुझसे लेकर आई थी अभी, टेडी ने देखा कैसा है, और फोटो मैंने तो देख लिया पर वीडियो में दिखाऊंगी आपको कैसा है। तो गाइस यहाँ पे था वो कर्मा घूम रहा है, देखो कितनी स्पीड का घूम रहा है, इधर वैसू है इधर अवनी है, इधर में खिलाफ वैसू अथर के पीछे पीछे घूम रहे, और देखो यहाँ थे के साथ गेट में पाई करना शुरू कर दे। कहाँ जा रहे बेटा आप, कहाँ जा रहे सर, खुद से ही बैग करके ले जाएगा। फिर यहाँ जाके फिर बाय, फिर खुद से ही बैक कर लगा। अब अच्छे से आ गए इस पे चलाना। बस वो देखो भैया, भैया तेरे ऊपर ना चढ़ा था, बाबू साइड हो गया बस।
करके मैं तो घुमाता है पूरा। और वैसे को भी तो मैं तो भैया भैया करेंगे क्या खिंचा घूमती रह बेचारी करने के लिए। आ गई देखो कोई नहीं बाबू, वो तुम्हारे ही तो भाई है, वो ब्याह जान भाई तो कर ले बहनों के साथ में करके चली गई। और कुछ अब आई यानी कि कन्या देवी आपके 8:30 बजे है और 8:30 से 9:15 ही हो रहे और है ना वो भी ड्यूटी से आए। बस अभी मैं नव के लिए गरम गरम पकौड़ी बनाऊंगी क्योंकि अंडोर में रह रही है अभी खाई भी ना बस लोग सबने तो खा ली। अर्णव ने बाबू को ले लिया, बाबू को खिलाने लग गए पकौड़े खिला रहे थे। सुरड़ सुरड़ हो रही है बहुत, जुकाम हो रहा पता नहीं चाय से खाऊंगे दही से खाऊंगे जो खाऊंगे उतना हो रहा। साइड ने बताया कि मुझे पूरी बनानी, पूरी सब्जी या पकौड़ी बनानी क्योंकि अर्णव कभी तो कह रहे थे कि मेरे लिए तो कुट्टू की पूरी बनाई है सब्जी बनाई है, कभी कह रहे थे अब पकौड़ी बनाई है। तो अब डिसाइड हुआ ये कह रहे कि बस फाइनल होगा पूरी बनानी, तो मैं पूरी पकौड़ी बनानी, तो मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। की कटिंग तो कर दी और इधर हरी मिर्च ले ली, बस अब गोल बना दूंगी पकौड़ी का और रिफाइंड डाल के रख दिया मैंने कढ़ाई। भाई बस मेरा गिफ्ट साकार हो गया, मेरा लुंडा हंस पड़ा बस। हाँ बेटा ये डम 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 लक लक डम डम लक लक सही है अभी तो शुरुआत सही है। भैया का बहुत बुरा हाल हो रहा, पैर भी सूजे पड़े हैं सच में। ये देखो नसवी कैसे खड़ी, बहुत ही सुंदर। ये सी मौसी लेके आई है थरू की, वहां पर लगो ये सामने अच्छे लग रहा ना। सारे फोटो है जी, बहुत अजीब का भी है बाद का भी आई है बाद का नंगे को तो सबसे बड़ा लगा दिया था फिर दीदी ने हटवाया। अच्छी है इन्होंने एक महीने का था जो वो बिखरा था अभी नंगे का खच्चा था आपके पास ही भेजा था वो लगा दिया था जीजा जी ने फिर दीदी ने हटवाया। चलो भाई गिफ्ट खोलो इसकी वैष्णो की चलो भाई खोल लो। तो गाइस गिफ्ट ओपनिंग हो गई। अरे वाह अरे वाह अरे वाह इतना सोना गिफ्ट भाई अरे पीछे हो जाओ, तुम्हारा पीछे होने का टाइम है। आपके पास तो है अभी भैया की बच्चा कंफर्टेबल रह रहा है। सेम कलर मंगवाया टायर है इसके, तू भी बैठ के चला सके, भाभी जी बैठ के चला सके। अच्छा लगाइए उसमें नहीं बस चला के बैठा के फिर इसमें वापस पैक करके रख दियो, जब ही हो जाओगे ना दो साल का वैसे भी अब चला ले बढ़िया तरीके से, तब निकालियो उसे। हाँ मैं तो कमरे में रख रखी भाई, जो चलानी हो चला लो बाइक लाइन की। अच्छा हाँ विधान का बड़ा मन करे सब चीजें चलाने का, विधान ही चलावे की। हाँ हाँ नहीं सही करा आपने, वहाँ पर रख दिया उसे। सोना भैया तो पूरा हिंदू हो रहा इसे दवाई दे देती इसके पप्पा जी, इसके दादू दादी ने दी, हमने नहीं दी।
इसके दादू उस दादी ने दी, मुजफ्फरनगर वाले दादू दादी ने। अपना भी चलाने लग रहा है देखो। चलो 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 भाई चलाओ चलाओ। यो तो खुद से मोड़ रहा देख देख मोड़ दी भाई मोड़ दिया लो। आज मैं ताज में बहुत खुश होगी। ये तो उसका था डोली का। भजन तो गा लो बैठ के। सारा मारी वाली लड़की चल दी, मुंह नहीं दिखा रही अपनी, सारा मारी ने।